ओ हेलो ब्लेडर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रायुगा ने केंटा को अपनी पावर क्यों दी, क्योंकि वहां पे एक और ब्लेडर था जिसको रायुगा अपनी पावर दे सकता था, जो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो लाइक आते रहेगी उतनी जल्दी न्यू वीडियो आते रहेगी। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चीज को जानने के लिए हमें सबसे पहले रायुगा के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि बेब्लेड मेटल फ्यूजन की शुरुआती सीरीज में रायुगा एक विलन के तौर पे दिखाया था, जिसका कोई भी दोस्त नहीं था और वो एक दुश्मन था। क्योंकि रायुगा को बेब्लेड मेटल फ्यूजन की सीरीज में एक विलन के तौर पे दिखाया गया था, इस वजह से रायुगा से लगभग लड़ने के बारे में भी बहुत ही कम लोग सोचते थे। क्योंकि तुम लोग जानते ही होगे कि बेब्लेड मेटल फ्यूजन में रायुगा ने लगभग हिकारू को इतनी गंदी तरीके से हराया कि हिकारू ने बेब्लेडिंग ही छोड़ दी। पर लेकिन मेटल फ्यूजन की सागा में जो रायुगा है वो पूरी तरह डार्क पावर के अंदर चले गया था और उसको निकालना लगभग मुश्किल हो गया था, क्योंकि डार्क पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और जो उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है, जिससे रायुगा एक मॉन्स्टर बन गया था। पर वही जहां हम लोगों को बेब्लेड मेटल मास्टर का सागा दिखाया गया, उसमें रायुगा जो है एल ड्रैगो की पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो डार्क पावर के चंगुल में से निकल पाए। आखिरकार रायुगा इस चीज में सफल भी हो जाता है और फिर वो एल ड्रैगो के एक पुराने पावर को जन्म देता है, जो कि रहता है मिट्योर एल ड्रैगो, जो लगभग एक अनबीटेबल कैरेक्टर बनाता है रायुगा को और उसके ब्लेड को। फिर उसके बाद हम लोगों को बेब्लेड मेटल फ्यूरी का एक सागा दिखाया गया, जिसमें रायुगा को लगभग लेजेंडरी ब्लेडर्स भी रोक नहीं पाए थे सिवाय रागो को छोड़ के, क्योंकि रायुगा एक अलग ही लेवल पे चला गया था। उसने एक ऐसी ट्रेनिंग की थी अपने ब्लेड को कि उसने पूरी तरह मास्टर कर दिया एल ड्रैगो की पावर को, और वो ये चीज कहता था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर ब्लेडर है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और इस वजह से जो है रायुगा मुश्किल से मुश्किल ट्रेनिंग करता था, जिससे वो अपने आप को और भी अलग लेवल पे लेके जा सके, जहां तक कोई ब्लेडर पहुंचा नहीं था। लेकिन मेटल फ्यूरी के सागा में वहां पे रायुगा को एक दोस्त मिला जिसका नाम था केंटा। केंटा का ये मकसद था कि वो रायुगा को लेजेंडरी ब्लेडर्स की मदद करने के लिए झिंगा के पास लेके जाए, और रायुगा ने उसको ये चीज कही थी, अगर तुम मुझे जरा सा भी सीरियस या फिर इम्प्रेस कर दोगे तो मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन यहाँ पे आप मैं सब जानते हैं कि रायुगा को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे झिंगा जैसे ब्लेडर्स ने रायुगा को सिर्फ टक्कर की फाइट दी थी, तो केंटा तो क्या ही चीज है, क्योंकि बेब्लेड मेटल फ्यूजन से लेके मेटल फ्यूरी में केंटा का डेवलपमेंट अच्छा तो हुआ है, बट इतना अच्छा नहीं कि वो रायुगा को टक्कर दे सके। और इस वजह से केंटा ने रायुगा के नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दिया, और वही जो ट्रेनिंग रायुगा करता था वही ट्रेनिंग केंटा करता था, और रायुगा की ट्रेनिंग लगभग मौत वाली ट्रेनिंग और जो केंटा की उम्र के लिए बहुत ही ज्यादा है। यही चीज यही नहीं बताती कि रायुगा ने केंटा को ही पावर क्यों दिया। केंटा के पास भी एक चीज थी, वो था समर कॉन्स्टिलेशन का ब्लेड सेजिटेरियो, जो की रायुगा के साथ समर कॉन्स्टिलेशन ब्लेड एल ड्रैगो के साथ है। तो इस वजह से रायुगा ने कहीं ना कहीं केंटा के अंदर वो बात देखी जो उसे किसी के अंदर नहीं दिखी। अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो रायुगा जो है झिंगा को रिस्पेक्ट देता है और साथ ही साथ सुबासा को रिस्पेक्ट देता है, लेकिन सुबासा और झिंगा जैसे ब्लेडर ने रायुगा को इतना सीरियस नहीं ले पाए जितना केंटा ने बेब्लेड मेटल फ्यूरी के सीजन में किया। क्योंकि एक बार की बात तुम लोगों को याद होगी, जब सुबासा और रायुगा की फाइट चल रही थी मेटल फ्यूरी में, उसमें रायुगा ने अपना अल्टीमेट मूव यूज किया, जहां पे सुबासा ने रायुगा के ब्लेड को एक स्क्रैच भी नहीं दिला पाया। अब यहाँ पे ही एक बात आती है कि केंटा ने रायुगा को मेटल फ्यूरी में इतना सीरियस कर दिया, उसे अपना अल्टीमेट मूव यूज करना पड़ा, और इतना ही नहीं एल ड्रैगो के ऊपर एक डेंट आ चुका था, और इस वजह से रायुगा ने उसके अंदर एक डेडिकेशन देखी कि उसका जो हार मानने वाला जुनून जो है उसे कहीं ना कहीं एक बेस्ट ब्लेडर बनाएगा। क्योंकि केंटा का जो अपने सेजिटेरियो के प्रति रिश्ता था वो बहुत ही ज्यादा गहरा था, और इस वजह से रायुगा भी उसे देख के हैरान हो गया। और इतना ही नहीं, केंटा इतना पावरफुल बन चुका था कि उसने एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि वो झिंगा को भी हरा सकता है। यहाँ पे बात आती है, जब बेब्लेड मेटल फ्यूरी में रायुगा जब रागो से लड़ने जाता है तो वो अपना पावर लेके रागो से लड़ता है, जहाँ पे रायुगा अपना पूरा 100% लगा देता है, जिससे वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नेमेसिस को खत्म कर सके। लेकिन जब रायुगा यहाँ पे रागो से लड़ता है तो वो बहुत ही बुरी तरह से हार जाता है, और यहाँ पे सारी
सारी की सारी दोष केंटा पे चले जाता है, और जहाँ केंटा सोचता है कि यह इसकी बहुत ही बड़ी गलती है कि उसने रायुगा को वो टाइम पे रोका नहीं। अगर वो रायुगा को रोकता तो वो नेमेसिस को सील करने के लिए परफेक्ट रहते। अगर यहाँ पे हम कुछ और चीज देखे कि समर कॉन्स्टिलेशन वाला ब्लेड एक और एक बंदे के पास था, वो था सुबासा। अगर रायुगा सुबासा को वो पावर अपनी देता तो पूरी तरह जो रायुगा और केंटा के बीच जो कनेक्शन बना हुआ था वो टूट जाता, और रायुगा भी कहीं ना कहीं समझ गया अगर नेमेसिस को हराना है तो उसे सील करना पड़ेगा। और इस वजह से रायुगा के अंदर उतनी ताकत नहीं बची थी कि वो वापस से इल ड्रैगो को फाइट में ले जा सके, तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक चांस दिखा कि वो सारी की सारी ताकत अपनी केंटा को दे सके, जिस तरह उन्हें वादा किया था अगर केंटा उसे सीरियस करेगा तो। और अगर देखा जाए तो यही चीज की वजह से केंटा एक वर्दी बनता है कि वो रायुगा की पावर को ले सके। और इतना ही नहीं, क्योंकि केंटा की वजह से ही हम लोगों ने बेब्लेड मेटल फ्यूजन देखना स्टार्ट किया था, और केंटा का प्रोग्रेस लगभग बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उसकी उम्र में झिंगा तो भाई साहब कुछ नहीं था। झिंगा ने खुद कहा था कि केंटा अब जो उम्र में ताकतवर है उसको तो लगभग ही कोई हरा सके, तो इस वजह से अब केंटा भी एक अनबीटेबल कैरेक्टर बन गया था। उसने भी रायुगा को बहुत अच्छी टक्कर दी थी, और इसी तरह केंटा ने रायुगा का पावर इस्तेमाल किया और झिंगा और उसके दोस्तों की मदद की। अगर ये सारी चीजों के मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो रायुगा ने एकदम सही काम किया केंटा को पावर देके। हाँ गाइस, तो यही चीज थी कि रायुगा ने केंटा को अपनी पावर क्यों दी और सुबासा को क्यों नहीं दी, और इनके दोनों के बीच कनेक्शन तो क्या था। तो मैं होप करता हूँ कि आपको आज कुछ नया जानने मिला है और आपकी एक पहेली सॉल्व हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो जरा सी भी तो लाइक करना और अपने दोस्त के शेयर करना, और जो लोग चैनल पे न्यू है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार ऐसी इंटरेस्टिंग कंटेंट लाने के लिए, और बाजू में एक बेल आइकन है उसे भी दबा देना, और हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर जाके जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए do whatever you want to do. Goodbye.